हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम बात करेंगे इस सेशन में सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग की चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो है a1x + b1y + c1 = 0। दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड अनदर इज a2x + b2y + c2 = 0। दिस इज अनदर पेयर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट। तो a1x + b1y + c1 = 0 एंड अनदर इज a2x + b2y + c2 = 0। दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y का वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन यदि बोले कि सॉल्यूशन इसका निकालो, इसका मतलब उसके वेरिएबल को फाइंड आउट करो, राइट। तो सॉल्व करो, जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको बाहर करो, तो उसे को सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें हमको a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 सब कुछ पता रहता है, हमको निकालना रहता है x और y का वैल्यू, राइट। तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंडिंग, इसका मतलब फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ गए। और ये सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है इस कर देते हैं, ठीक है। पहला ये हो सकता है ये कंसिस्टेंट हो, सॉल्यूशन जो हो कंसिस्टेंट हो। सबका मतलब हम बारे बारे समझाते हैं क्या होता है इसका मतलब। पहला ये हो सकता है कि कंसिस्टेंट हो, ठीक है। और अलग सॉल्यूशन, दूसरा जो सॉल्यूशन हो सकता है इनकंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट हो। क्या इसका मतलब होता है आइए हम समझते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट में भी दो केस हो सकता है, ठीक है, इसमें भी दो केस हो सकता है। कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन निकलता है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। इसका मतलब है कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या मतलब सॉल्यूशन तुम बोल सकते हो, सॉल्यूशन इसका तुम निकाल सकते हो। इनकंसिस्टेंट का तुम मतलब सकते बोल सकता है नो सॉल्यूशन, जो दो पेयर लीनियर इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन है, मतलब नो सॉल्यूशन, राइट। तो इस केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट में भी दो केस होता है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, जो पहला जो केस है वो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि सॉल्यूशन कैसा हो, यूनिक हो। एंड अनदर केस ये हो सकता है कि यूनिक सेवरल सॉल्यूशन, मैनी ऑफ सॉल्यूशन हो, ठीक है, मैनी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, तुमको पता करना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि मैनी सॉल्यूशन होगा, या इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा। तो कैसे बता पाएंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन उस केस में होगा जब क्या होगा, a1 / a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1 / b2। यदि इस केस में, यदि इस तरह से तुमको यदि मिल रहा है a1 / a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा, जब लाइन इस a1 / a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग, दो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो सकता है, मैनी सॉल्यूशन के लिए ये केस हो सकता है जब क्या हो, a1 / a2 दिस इज इक्वल टू b1 / b2 दिस इज इक्वल टू c1 / c2, मतलब दोनों लाइन्स जो होगा क्या होगा, एक ही रिलाइज करेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा दिखा भी देते हैं, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन का मतलब दो लाइंस दिया हुआ है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैनी सॉल्यूशन का मतलब कि दोनों लाइंस जो होगा क्या होगा, एक ही रिलाइज करेगा। मान लो ये सपोज करो कि एक एक लाइन है और हम कलर चेंज करके दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, सपोज करो कि ये अनदर लाइन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये सेकेंड लाइन है, ये जो यहाँ पे ये जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड लाइन को।
ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन है, दो एक दोनों को कट कर रहा है, मतलब ए वन अपॉन ए टू दिस इज इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, मतलब उस केस में तुमको यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन के केस में, मैनी सॉल्यूशन केस में दोनों लाइन एक ही प्लाइज करेगा, राइट। तो ये मान लो कि फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, दोनों एक ही प्लाइज कर रहा है, इसमें मैनी ऑफ सॉल्यूशन होगा, राइट। मैनी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, मैनी होगा, राइट। इनकंसिस्टेंट केस कब होगा, इनकंसिस्टेंट केस तब होगा जब दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, दोनों लाइन जब क्या होगा, पैरेलल होगा, तो उस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट दैट मीन्स नो सॉल्यूशन का केस होगा। वो क्या होगा, मान लो कि ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, फर्स्ट लाइन तो बता ही दिए कौन सा है, सेकेंड लाइन भी कौन सा है, ठीक है। तो उस केस में इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब दोनों लाइन पैरेलल होगा, कंसिस्टेंट कहने का मतलब दो केस हो सकता है, उसमें यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, या दोनों कोइंसिडेंट लाइन हो सकता है, राइट। ठीक है, अब तो ये हो गया इसका मतलब, सॉल्यूशन का क्या क्या मतलब, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, राइट, कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, तो राइट डाउन हम कर लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब समझ गए, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो इसका दो अप्रोच होता है, कितना अप्रोच होता है, मेथड निकालने का दो अप्रोच होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट जो अप्रोच है वो है, फर्स्ट जो अप्रोच है वो है ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड, एंड अनदर जो अप्रोच है वो है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, सेकेंड जो अप्रोच है वो एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड हम विदाउट कुछ लिखे हुए, बस हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है, लीनियर पेयर इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना। अब यदि लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सपोज करो कि वो एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है, तो मैनी सॉल्यूशन होगा, राइट। यदि दोनों पैरेलल होगा तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा, राइट। और एल्जेब्रिक मेथड में क्या होगा, इसमें बहुत सारा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड में भी, राइट। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करते हैं, फिर एल्जेब्रिक मेथड के बारे में बात करेंगे, राइट। तो हम एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम सॉल्यूशन ही लेके, ग्राफिकल मेथड का मतलब ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे दोनों लाइंस को, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। सपोज करो तुम्हारे पास जो लाइंस है, 2x + 3y + 6 = 0 है, राइट। और अनदर लाइन मान लेते हैं कि ये है x + y + 2 = 0, इस तरह से तुमको दिया हुआ है, दो लाइंस यानी पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस जो वो दिया हुआ है। सपोज करो दिस इज इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अब इसको तुमको ग्राफ पे, फर्स्ट लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, फिर सेकेंड लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो सबसे बारी बारी से हम करते हैं, और तुमको बताए थे हम जब लीनियर इक्वेशन हम पढ़ा रहे थे 9th क्लास में, तुमको बताए थे कैसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते लीनियर इक्वेशन को, एक ठीक है। सही से इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
दिस इज एंड राइट। अब हम ये जो है ओरिजिन है राइट, और ये हो गया एक्स एक्स डैश पर बोला वाई वाई डैश, पॉइंट भी प्लॉट कर देते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसका। ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 1 2, आपको ग्राफ पेपर पे इसमें ड्रॉ करना है राइट। 4 5 6 7, इधर जो होगा क्या होगा, इधर माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और नीचे भी क्या होगा, माइनस में होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, अब तुमको पता है कैसे हम लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो अपने मन से हम एक्स और वाई का वैल्यू लेंगे, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होता है मैनी सॉल्यूशन हो सकता है ठीक है। तो अपने मन से हम एक्स का वैल्यू लेंगे, फिर एक्स का वैल्यू लेने के बाद फिर देखेंगे वाई का वैल्यू कितना आता है राइट। तो इसके लिए हम x और y का वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए ले रहे हैं ठीक है। तो मान लो कि x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया फर्स्ट में। मान लो कि x का जो वैल्यू हो गया 0 हो गया, तो x का वैल्यू 0 हो गया राइट। उस केस में y का वैल्यू कितना होगा, तो x 2 × 0 तो 0 हो गया, +3y+6=0, तो 3y+6=0, तो इससे जो y का वैल्यू आएगा कितना आएगा, -2 आएगा, तो y का वैल्यू -2 हो गया राइट। अब हम लेते हैं x का वैल्यू समथिंग कुछ, या तो y का वैल्यू मान लो कि 0 हम ले लिए, हम क्या ले लिया, अब जो हम y का वैल्यू ले लिए, y का वैल्यू अब हम ले लिए 0। अब y का वैल्यू 0 ले लिए, तो उस केस में x का वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2x+3 × 0 0+6=0, तो 2x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, तो वो हमको 2 पॉइंट मिल गया। कौन कौन सा पॉइंट, 0 -2 एंड अनदर पॉइंट इज -3 0 0 राइट। तो 0 -2 कहाँ होगा, 0 -2 -0 x में 0 y में है, तो मतलब ये y एक्सिस पे होगा, ये कहाँ होगा, ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -2 राइट। और अनदर पॉइंट जो है -3 0 वो कहाँ होगा, -3 मतलब x है और y 0 है, तो ये x एक्सिस पे ही होगा। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये होगा पॉइंट जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जो होगा -3 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट जो है ठीक है। अब दोनों पॉइंट से हम लाइन पास करते हैं, वही जो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट लाइन को। दोनों पॉइंट से हम ठीक है, ये जो लाइन हुआ, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज लाइन रिप्रेजेंट, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 2x+3y+6=0 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। और सेकेंड लाइन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो सेकेंड लाइन के लिए भी पॉइंट पहले फाइंड आउट करेंगे, तो x+y+2=0 के लिए हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो x ले लिए, y ले लिए, अपने मन से हम x का वैल्यू 0 ले लिए, तो y का वैल्यू क्या होगा, x 0 है तो y का वैल्यू -2 होगा राइट। उसी तरह हम y का वैल्यू मान लेते हैं कि 0 है, y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा, -2 होगा ठीक है। लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, तो वो हमको मिल गए। अब हम तो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट खोजेंगे 0 -2 का है, 0 -2 मतलब y में है और x 0 है, तो मतलब x एक्सिस पे होगा, सॉरी y एक्सिस पे होगा, तो -2 0 0 -2 यही पॉइंट हो जाएगा, जो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 -2 ठीक है, दो बार लिखने को जरूरत नहीं। और अनदर जो पॉइंट है -2 0 -2 0 कहाँ होगा, -2 0 ये रहा, -2 0 ये रहा,
ये जो पॉइंट है क्या है, माइनस टू जीरो है, ये जो रेड से हम डार्क किया है वो माइनस टू जीरो है। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला दिए, तो जो रेड वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, वो एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, दोनों लाइंस जो है, फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये वाला, और जो सेकेंड लाइन है रेड वाला, ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रहा है, जीरो माइनस टू पे। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, जीरो माइनस टू, राइट, जहां कट कर रहा है वही सॉल्यूशन होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा जीरो माइनस टू हो जाएगा, राइट। इसको हम लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू। एक्स वाई का सॉल्यूशन का मतलब तो बता ही दिया ना, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, तो जीरो माइनस टू है, इसका मतलब क्या, एक्स जीरो है वाई माइनस टू है, सॉल्यूशन हो गया एक्स जीरो एंड वाई माइनस टू, राइट। अब हम ग्राफिकल मेथड से वही ना कि हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कट कर रहा है कि नहीं, यदि कट कर रहेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि मान लो एक ही लाइन पे दोनों है तो वो क्या होगा, दोनों क्या होगा उसका, उसके पास मैनी ऑफ सॉल्यूशन होगा। यदि दोनों पैरेलल लाइन होगा ग्राफ पे तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, राइट। तो हमने पढ़ लिया कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो था, उसके बाद तुम तो पहले भी जज कर सकता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं, यदि ये सम रहेगा तो ए वन अपॉन ए टू इज दिस इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये सब जो कंडीशन हो यदि रहेगा तो हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये बता देंगे उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि हमको सॉल्यूशन निकालना है तो फिर ग्राफ पे ड्रॉ करके निकालना होगा, राइट। तो ये हो गया ग्राफिकल अप्रोच या ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो इस लेक्चर को हमको लगता है रखना चाहिए एल्जेब्रिक मेथड के, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, राइट, और उसमें हम बहुत सारे मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को रखते हैं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।